नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई पनीर की रेसिपी, शाही मलाई पनीर। ये बहुत ही झटपट बनने वाला पनीर है और इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि पनीर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर और मैंने उसको इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। 3 मैंने बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। प्याज को भी इस तरह से आपने लंबा लंबा काट लेना है, पतला। और इसके लिए मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ली है और मैंने उसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप मलाई, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी और मैंने कुछ यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 4 से 5 मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च ली है। और इसके लिए हमें, मैंने इसको देसी घी में बनाया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध। आइए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको कुकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है क्योंकि हम इसके अंदर मलाई डालेंगे तो मलाई भी अपना घी छोड़ेगी, तो ज्यादा देसी घी डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट। उसके बाद फ्रेंड हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, हमारे जो लंबे लंबे कटे हुए प्याज हैं, ये सारे प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर प्याज को चलाएंगे। हम इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आप अपने स्वादानुसार इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से भूनेंगे। जब तक हमारी ये विसल्स आती हैं तब तक हम अपने जो खड़े मसाले हैं उनको गर्म कर लेते हैं। मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो दालचीनी है, 1 इलायची, काली मिर्च और लौंग है, इसको हम थोड़ी देर यहाँ इसके अंदर भून लेंगे। मसाले को पहले भी बनाकर रख सकते हैं और इसको पीस के आप जब भी पनीर बनाएं उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। ये हमारे जो मसाले हैं वो गर्म हो चुके हैं, अब हम इसको इसके अंदर डाल के पीस लेते हैं। और इसको बारीक बारीक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके 4 से 5 विसल आ चुकी हैं और अब हम इसकी स्टीम भी निकल चुकी है। अब हम इसको खोलते हैं। अब हम गैस ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह से मैशर लेना है और उसके साथ हमारे मसाले को मैश करना है। जितने भी प्याज थोड़े खड़े होंगे, टमाटर, वो सब इसके साथ मैश हो जाएंगे। और अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो उसको हमने बिल्कुल ही सुखा लेना है इसको मैश करते हुए। अब हम इसको 5 मिनट को पकाएंगे और जो हमारा पानी है वो भी बिल्कुल सूख चुका होगा। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, जब ये बिल्कुल सूख जाए पानी, तो तब हमने इसके अंदर जो हमारी ये मलाई है वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारी मलाई जो है वो घी छोड़ने लगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, हमने वो मसाला पीसा था भून के, वो मसाला अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम मेथी भी डाल देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि मलाई घी छोड़ने लगे। ये कम से कम इसको लगते हैं तब तक ये इसी के ऊपर इस तरह से हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मलाई ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। एक कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है। दूध आप ठंडा ही यूज करिए, नहीं तो दूध जो है वो फट जाएगा। दूध में हमने उबाल नहीं आने देना है, उससे पहले ही हमने इसके अंदर पनीर को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, दूध डालते हुए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपने दूध को ठंडा करके डालना है, गर्म दूध नहीं डालना है, नहीं तो दूध जो है वो इसके अंदर फट जाएगा। बस फ्रेंड्स, अब और क्या किस चीज की देरी, हमारा पनीर जो है वो बन के रेडी है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शाही मलाई पनीर बन के रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।